नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप एक उचित मूल्य की दुकान खोलना चाहते हैं, पीडी सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। इस तरह से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके तहत आप 2023 के अंदर आपके गांव या शहर के अंदर आप अपनी उचित मूल्य की दुकान को खोलकर रोजगार है वो ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो NFSA की ऑफिशियल पोर्टल पर आना रहेगा। इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाता है। यहां पर आने के बाद में आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट 3 डॉट आपको दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आते हैं, जिसके अंदर आपको राशन कार्ड का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने सेकंड ऑप्शन ओपन होता है, राशन कार्ड डिटेल ओन स्टेट पोर्टल। सिंपली आपको इसी को ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने देश के सभी राज्य ओपन हो जाते हैं। जिस भी राज्य को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका स्टेट आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन के अंदर आपको ऊपर 3 डॉट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाती है, जहाँ पर आपको देश के सभी राज्य देखने को मिल जाते हैं। जिस भी राज्य को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली उसी राज्य के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने उसी राज्य का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जिस भी राज्य को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आता है, जिस पर आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। ओके के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपने जो भी राज्य को सेलेक्ट किया उसी राज्य का ऑफिशियल पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, अप्लाई फॉर FPS डीलरशिप। सिंपली आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई फॉर FPS डीलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर FPS डीलरशिप का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे चुका है। इसी के साथ में आपको नीचे कुछ एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे होंगे, जिसके अंदर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन है वो दिखाई देगा। इसकी जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसकी डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो भी स्टेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, उस स्टेट के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैकेंसी अवेलेबल है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कौन सी डेट को नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब डिवीज़न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो ब्लॉक है, कौन कौन से ब्लॉक के अंदर इसकी जो वैकेंसी जारी की गई है, कितनी वैकेंसी है, वो आप यहाँ पर प्रॉपर चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप इसको जैसे ही स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद में इसकी जो प्लेस ऑफ वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन कौन से गाँव और सिटी के अंदर इसकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सी डेट को ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वो लास्ट डेट कब है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जो वैकेंसी ये जारी की गई है 9 मार्च को जारी की गई थी, और इसकी जो लास्ट डेट है अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। मतलब आप इसके लिए अभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके लिए आपके सामने आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। गेट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। OTP आपको यहाँ पर एंटर करनी रहेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको टोटल 5 स्टेप के अंदर आपका जो फॉर्म है ये कंप्लीट होने वाला है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल है वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाता है, जिसके अंदर आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पर देनी रहेगी। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी जो बेसिक डिटेल है उसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपके सामने इसका जो सेकंड पेज है वो ओपन हो जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल है, आपका जो एरिया पिन कोड है, आपकी जो भी शॉप है, जो भी लोकेशन है, उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पर टोटल 5 स्टेज के अंदर कंप्लीट करनी रहेगी। आप यहाँ पर जैसे ही इसकी जो स्टेज कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद में आपका यहाँ पे आवेदन है वो कंप्लीट हो जाता है। आवेदन कंप्लीट होने के 5 से 10 दिन के अंदर आपके जो भी एड्रेस आपने सबमिट किया है उसी एड्रेस पे NFSA की टीम वेरीफाई करती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। उसके बाद में अगर आपकी सारी डिटेल सही पाई जाती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, तो आपको ये जो FPS डिस्ट्रीब्यूटर है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक ले जय हिंद जय भारत।